करीब 500 वॉट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है हमारा सिस्टम। हेयर ड्रायर में 116 वॉट कंज्यूम हो रहा है। लैपटॉप अभी यहाँ पर आप देखेंगे 16 वॉट कंज्यूम कर रहा है। देखिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि है पावर मीटर। इससे आप यह चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कितने वॉट को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं टाइमर लगाना किसी भी इक्विपमेंट पर कि 2 घंटे बाद हमारा इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो यह भी आप इस मीटर के साथ कर सकते हैं। हमने इस मीटर को अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको यह देखने में जाता है। पहले अगर आप बिल पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1750 रुपये में हमने इसे परचेज़ किया है। बॉक्स पर अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको यह पावर मीटर देखने मिल जाता है। मीको कंपनी की तरफ से यह पावर मीटर हमें देखने मिलता है। मॉडल नंबर है PG08T। बॉक्स को ओपन करने में सबसे पहले आपको यह मीटर मिलता है और साथ ही साथ आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है जिसमें बताया गया कि इस मीटर से आप क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि वॉट, वोल्ट, एम्पियर, टाइमिंग और भी मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। अगर आप मीटर का साइज़ देखेंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको यह देखने मिल जाता है। जहाँ पर पीछे साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको मेल प्लग देखने मिल जाता है। मैको की कुछ और स्पेसिफिकेशन दी गई है। फ्रंट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने मिल जाता है। कुछ आपको कीज देखने मिल जाती हैं जैसे ओके और सेट। और नीचे साइड आपको एक फीमेल प्लग देखने मिल जाता है जो कि मैक्सिमम 10 एम्पियर तक के सॉकेट को ही सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है और हर घर में इस प्रोडक्ट को होना चाहिए। इससे आप यह चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका जो लैपटॉप है वह कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, या फ्रिज कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, मोबाइल चार्जर या कंप्यूटर या लैपटॉप, तो यह सब आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह सीखते हैं कि किस तरह से आपको इस मीटर को यूज़ करना है। आपको सिंपली इसे बोर्ड के साथ अटैच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने इसे अटैच किया है। बटन को हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा अब यह मीटर ऑन हो चुका है। डिस्प्ले पर आपको अभी 0 वॉट दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके साथ अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अगर आप वॉट को मेज़र नहीं करना चाहते या आप वोल्टेज को मेज़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेट के जस्ट साइड से की मिल जाती है जहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर यह वॉट है, अगर हम इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप पावर फैक्टर दिखाई देता है। इसके बाद अगेन अगर हम इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको TUT दिखाई देता है जो कि होता है टोटल यूजेज टाइम, मतलब आपने जिस डिवाइस को इसके साथ अटैच किया है उस डिवाइस को कितने मिनट आपने चलाया है। फिर इसके बाद यहाँ पर CU का ऑप्शन होता है मनी को ऐड करने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पर जो यूनिट का रेट है वह आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। अब वह 6 रुपये हो, 7 रुपये हो, 8 रुपये हो, तो इससे होगा क्या कि जो भी डिवाइस को आप इसमें इंसर्ट करेंगे, आप उसे 1 घंटे या 2 घंटे चलाते हैं, तो वह आपको क्लियरली यह बता देगा कि इस पर्टिकुलर डिवाइस ने 1 घंटे या 2 घंटे में कितने रुपये की बिजली को कंज्यूम किया है। इस तरह से आपके पास मेजरमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पर बहुत सारे मेजरिंग ऑप्शन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेनली जो हमको चेक करना होता है वह होता है वॉट, एम्पियर और वोल्टेज। यहाँ पर हम इस हेयर ड्रायर को यूज़ करेंगे। हेयर ड्रायर में हमको स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अलग अलग स्पीड पर हम इसे यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मीटर है वह वॉट पर सेलेक्ट होता है, तो अभी यहाँ पर यह वॉट पर सेलेक्ट है। अब सबसे पहले हम इस हेयर ड्रायर को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा हेयर ड्रायर ऑन हो चुका है और अभी यहाँ पर आप देखेंगे 114 वॉट के करीब यह इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। हम इसके मोड को हाई पर लेकर जाते हैं और सेकंड मोड को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे ही सेकंड मोड को यूज़ किया है तो अभी आप देख सकते हैं 226 वॉट यह कंज्यूम कर रहा है। यह एक लोकल हेयर ड्रायर है, इसके अलावा मार्केट में 1000 वॉट और 1200 वॉट के भी हेयर ड्रायर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 226 वॉट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है हमारा यह हेयर ड्रायर। अब अगर आपको वॉट से यूनिट को कैलकुलेट करना है तो इस डिवाइस से आप यह भी कर सकते हैं, बट मैं कैलकुलेटर को ओपन करके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो हेयर ड्रायर है वह वॉट कंज्यूम कर रहा है 226 वॉट और हम इसे 8 घंटे यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8। अब यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 1000 करना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.8 यूनिट। अगर आप इस हेयर ड्रायर को 8 घंटे यूज़ करेंगे तो 1.8 यूनिट आपकी बिजली ऐड होगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक टेबल फैन को यहाँ पर लेकर आए हैं, इसकी भी हम वॉट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल मोड्स में जाते हैं हमको, तो सबसे पहले हम सेकंड मोड पर से यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 45 या 42 के करीब वॉट को यह कंज्यूम कर रहा है। एक्चुअली जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन होती है तो शुरुआत में वह ज़्यादा वॉट कंज्यूम करती है, बट रनिंग टाइम में फिर वह स्टेबल हो जाता है।
अभी यहाँ पर 42 वॉट कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इसे फर्स्ट मोड में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 के करीब इलेक्ट्रिसिटी को यह कंज्यूम कर रहा है, 34। अगर हम इसे टॉप स्पीड पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 58 के करीब यह वॉट कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपको दूर से दिखाई देता हो 584, बट यहाँ पर आप देखेंगे 58 के बाद यहाँ पर एक डॉट दिखाई देता है, 58 वॉट यह कंज्यूम कर रहा है। एक बार अगर हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं 58 × 24, क्योंकि हम 24 घंटे इस फैन को यूज़ करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1.3 यूनिट। एक बार हम कंप्यूटर को और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने कंप्यूटर में इसे भी अटैच कर दिया है। फाइनली हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहाँ पर हमारा CPU ऑन हो चुका है। थोड़ा हम पास में लेकर चलते हैं कैमरे को, अभी आप देखेंगे करीब 174, अब यहाँ पर आप देखेंगे 472.8, 475, 476, मतलब 475 के करीब यह हमारा सिस्टम वॉट को कंज्यूम कर रहा है। बट इसका जो मेन रीज़न है वह है इसका ग्राफिक कार्ड। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 3090, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में माइनिंग को भी हमने चलाया हुआ है। अगर हम माइनिंग को यहाँ से बंद कर दें, मतलब ग्राफिक को अब हम यूज़ बहुत कम करें, यहाँ पर हमने माइनिंग को बंद किया, जैसे ही हमने माइनिंग को बंद किया तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉट गिरने लगे, और गिरते गिरते यहाँ पर 164 तक यह वॉट आ चुका है। मतलब अगर हम ग्राफिक कार्ड को यूज़ करेंगे माइनिंग में तो लगभग 500 वॉट यह कंज्यूम करेगा, और नॉर्मल जो CPU है हमारा वह 150 वॉट कंज्यूम करेगा। देखिए टाइमर का भी फीचर है, वह बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप किसी भी डिवाइस को पर्टिकुलर समय के लिए चलाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम का आप टाइमर लगा सकते हैं, उस टाइम के बाद वह डिवाइस ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका बेस्ट बाइंग लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप इस मीटर के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।